देखिए जो प्रश्न दिया हुआ है वह कह रहा है यह द्रव्यमान की कोई वस्तु है, यह द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है जिसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल है। तो जब उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है तो उसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल है, यदि इसके वेग का दोगुना कर दिया जाए, यदि इसके वेग को दो गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी जो गतिज ऊर्जा होगी वह पहले से कितना हो जाएगी, दोगुना। यदि वेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यह हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के अनुपमानुपाती होती है तथा उसके वेग के वर्ग के अनुपमानुपाती, दोनों के माने किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग के वर्ग के गुणनफल के अनुपमानुपाती होती है, क्योंकि के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हम जानते हैं ये जो के होता है गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर है, के बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वस्तु का द्रव्यमान यह फिक्स है, वही है द्रव्यमान वही रहे, लेकिन v का मान दुगुना कर दिया जाए तो k का मान क्या हो जाएगा, अगर v का मान तिगुना कर दिया जाए तो वेग कितना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम देखें यह कह रहा है कि हाफ एम वी स्क्वायर पर इसका जो गतिज ऊर्जा है वो 25 है, कितना है 25 है, हाफ एम वी स्क्वायर कितना है 25 जूल के। ठीक, अगर ये वी को दुगुना कर दिया जाए 25 जूल माने यही है के के। ठीक, अगर इसको दुगुना कर दिया जाए यदि वी बराबर वी डैश जो है पहले का दो गुना कर दिया जाए वी कर दिया जाए जो वेग है वो पहले का दो गुना कर दिया जाए तब गति ऊर्जा के क्या होगा, भी यदि भी डैश बराबर टू भी तब हाफ एम भी की जगह भी डैश स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम भी की जगह टू का लिख दो टू भी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ हाफ इंटू टू गुना बराबर 4 × 1/2 स्क्वायर बराबर पहले का कितना हो गया 4×25 जूल, यानी 4k के बराबर, यानी पहले का क्या गुना, पहले का 4 गुना, पहले का 4 गुना हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर कह रहा है कि यदि वेग को दुगुना कर दिया जाए यानी वी डैश बराबर टू वी कर दें तो यह हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ एम वी डैश स्क्वायर बराबर हो जाएगा, हाफ एम वी डैश की जगह टू वी लगा दोगे तो टू वी का हो जाएगा 4v² तो 1/2 4mv² हो गया। तो इसका मतलब 4 यहाँ लिख दो तो 4 × 1/2 mv² और 1/2 mv² किसके बराबर है 25 जूल के, तो 4×25 जूल मतलब 4×25 जूल बराबर के है, दिया है ना के बराबर 25, तो 4×25 जूल यानी 4×k बराबर पहले का 4 गुना हो जाएगा। ठीक, फिर कहा है यदि v" का कर दिया जाए पहले का कितना कर दे 3 गुना v का 3 गुना तब क्या हो जाएगा हाफ एम वी डबल डैश स्क्वायर बराबर हो गया हाफ एम वी की जगह 3v का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 × 9 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर यानी 9×25 जूल, यानी पहले का क्या हो गया 9k के बराबर,
यानी पहले का क्या गुना? नौ गुना, पहले का नौ गुना हो जाएगा। अरे समझ में? तो अगर हम भी का मान दुगुना कर देंगे तो जो गतिज ऊर्जा होगी वो पहले की चार गुनी हो जाएगी, और अगर हम तीन गुना कर दें तो तीन का स्क्वायर यानी नौ गुना हो जाएगा। ठीक, लगा लीजिए।